यह है डॉक्टर राजेश्वरी चौहान, जिन्होंने हाल ही में पीएचडी कर मार्केटिंग की सिद्धि प्राप्त की है और वापी के राजपूत समाज का नाम रोशन किया है। हमारी चैनल से बातचीत करते हुए डॉक्टर राजेश्वरी चौहान ने यह सिद्धि हासिल करने के दौरान उनके द्वारा किए गए संघर्ष और बिना किसी मार्गदर्शन के जो कठिनाइयाँ उन्होंने, उन सब लम्हों को साझा किया और यह सिद्धि हासिल करने का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता, अपने खास मित्र और उनके मार्गदर्शन को दिया। डॉक्टर राजेश्वरी चौहान ने सूरत विस्तार को चुनकर पीएचडी इन मार्केटिंग की डिग्री प्राप्त की है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश्वरी चौहान ने अपनी स्कूल को इस डिग्री के जरिए नई दिशाओं में आगे बढ़ाना का लक्ष्य रखा है और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर जाकर इस सिद्धि का नया मुकाम हासिल कर एक गाइड बनने की तमन्ना रखती है। उन्होंने बताया कि जीवन में कभी हार मत मानिए, जिस लक्ष्य को आप हासिल करने की आशा रखते हैं उसे पूरे जी जान से प्रयास कर हासिल कीजिए। टू वापी मैम, माय मॉम, ऑल द स्टाफ मेंबर्स, रिचा टीचर, डिप्टी टीचर, स्नेहा टीचर, एंड स्पेशली थैंक्स टू योगिता एंड हिदर आल्सो, दे आल्सो डेडिकेट देयर टाइम एंड प्रीशियस टाइम टू मी इन माय पीएचडी जर्नी। स्पेशली थैंक्स टू मॉम एंड योगिता एंड हिदर, वो लोगों ने मेरी कभी भी साथ कभी नहीं छोड़ा, वो लोगों ने ऑलवेज दे आर देयर इन माय पीएचडी जर्नी एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स आल्सो एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, थैंक यू सो मच फॉर अ वार्म सेरेमनी, थैंक यू सो मच। मैं मार्केटिंग टाइटल पर करूँ, 3 वर्षनू स्ट्रगल करूँ अने मारी जात पर करूँ छे, आई हैव डन हार्ड वर्क वेरी विदाउट एनी गाइडलाइंस। આનો શ્રેય તમે કોને આપવા માંગશો? આનો શ્રેય મેં મારા પેરેન્ટ્સને, મારા બેસ્ટ ફ્રેન્ડને અને મારા ગાઈડને। ને આગળ ચાલીને તમે શું શું આ ફિલ્ડમાં કરવા માંગશો? હું ચાહું છું કે મારી સ્કૂલને હું આગળ લઈ જાઉં અને હું પોતે પણ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર જવા માંગુ છું એન્ડ વોન્ટ ટુ બી અ ગાઈડ ઓલ્સો, એન્ડ ધીસ ઇઝ વેરી હાર્ડ એન્ડ સ્ટ્રગલિંગ પીરિયડ જે મેં પૂરો કર્યો અને એચિવ કર્યો છે। તમે કઈ સ્ટ્રીમમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન પીએચડી કર્યું છે? માર્કેટિંગ સ્ટ્રીમ પર, સ્પેસિફિક સુરત એરિયા પર કર્યું છે એન્ડ ઓન ધ સર્વે બેસિસ આઈ હેવ ડન ઓલ થિંગ્સ। તમારો કેવો અનુભવ રહ્યો આ દરમિયાન? ઇટ વોઝ મતલબ એ બહુ સ્ટ્રગલ વાળો પીરિયડ હતો, બહુ રિજેક્શન્સ પણ મળ્યા અને જે પીએચડી મેં કરી આ જર્નીમાં એમાં મેં બહુ સ્ટ્રોંગ બની, કેમ કે રિજેક્શન્સ તમને સ્ટ્રોંગ બનાવે અને તમને પોતાને એક્સપિરિયન્સ મળે, કોન્ફિડન્સ મળે અને તમારું જે લેવલ ઓફ કોન્ફિડન્સ છે, લેવલ ઓફ નોલેજ છે એ બહુ ઇમ્પ્રુવ થાય।